हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एकदम इजी रेस्टोरेंट स्टाइल कॉम्बो रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे सिर्फ 30 मिनट में बना के सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करते हैं। काजू बटर मसाला और बिना तंदूर के आटे की तंदूरी रोटी। 3 बड़ी साइज का टमाटर लिया है, 2 कश्मीरी लाल मिर्च, 3 लौंग, 2 इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है। 15 से 16 काजू को आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रखा है। काजू अच्छे से भीग गया है। ये सब मिक्सर जार में डाल देंगे और इसकी फाइन पेस्ट बना लेते हैं। काजू को पानी में से निकाल के डाल देंगे, इसका पानी नहीं डालना है। एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। एकदम फाइन पेस्ट बना करके रेडी कर दी है। फ्राई पैन में 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। आधा कप काजू लिया है, 1 काजू का 2 पीस कर दिया है इस तरह से। ये हम फ्राई पैन में डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के इसे लाइट ब्राउन भून लेते हैं। काजू को मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है। निकाल लेते हैं इसे एक डिश में। यही कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे, 1 टेबलस्पून बटर। तेल और बटर गरम हो गया है। 1 टीस्पून जीरा, जीरा को लाइट ब्राउन भून लेते हैं। 1 बड़ी साइज का प्याज एकदम बारीक काट के लिया है। प्याज को मैंने चॉपर में एकदम बारीक काट के लिया है। आपके पास अगर चॉपर नहीं है तो आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लेते हैं। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लेते हैं। प्याज को लगातार चला के भूनना है तो ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। लो टू मीडियम फ्लेम पे प्याज को अच्छे से भून लिया है। गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे और मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधी टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून पंजाबी गरम मसाला पाउडर। इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। 1/4 टीस्पून चीनी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मसाला पैन में चिपकता है तो इसमें हम 1/4 कप गरम पानी डालेंगे। एकदम तेज गरम पानी डालेंगे और मसाले को अच्छे से भूनेंगे। मसाले को अच्छे से भून लिया है, तेल भी सेपरेट हो गया है। टमाटर की पेस्ट बनाई है, ये डाल देंगे। लगातार चला के टमाटर की पेस्ट को भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। मैंने स्टील का पैन लिया है, इसके लिए इसे कंटिन्यू चलाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें चिपक जाएगी ग्रेवी। तेल सेपरेट हो जाए तब तक इसे भून लेते हैं। जितना हम ज़्यादा देर तक इसे भूनेंगे उसका कच्चापन दूर हो जाएगा और सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तेल सेपरेट हो जाए तब तक ग्रेवी को अच्छे से भून लिया है। 1 कप एकदम तेज गर्म पानी लिया है, ये डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। पानी एकदम गरम हमें डालना है ताकि तेल अच्छे से सेपरेट हो जाए। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ढक्कन लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे कुक कर लेते हैं। 6 से 7 मिनट ग्रेवी को अच्छे से कुक कर दिया है और तेल भी सेपरेट हो गया है। ग्रेवी गाढ़ी भी हो गई है। काजू हमने फ्राई किया था, ये डाल देंगे, अच्छे से चला लेंगे। 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून देसी घी, 2 टेबलस्पून हरा धनिया, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 2 मिनट के लिए इसे कुक कर लेते हैं। 1 टीस्पून हनी डालेंगे, मध, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। काजू बटर मसाला रेडी है, गैस ऑफ कर देंगे। 2 कप गेहूं का आटा लिया है, बीच में इस तरह से खड्डा बना लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पाउडर चीनी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधी टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे, आधा कप रूम टेम्परेचर का दही लिया है, मीडियम खट्टा दही लिया है,
अच्छे से मिक्स कर देते हैं। एक कप हल्का गरम दूध लिया था, गुनगुना करके दूध हमें लेना है। इसे मैंने आटा गूंदा है, दूध डाल के मैंने आटा गूंदा। उसका वीडियो नहीं आया है, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि दूध डाल के ही आटा गूंदना है तो रोटी एकदम सॉफ्ट बनेगी, रोटी के जैसा नरम आटा बनाना है। और इस तरह से इसे 5 से 6 बार पटकेंगे। आटे को मैंने एकदम स्मूथ बना लिया है। 1 कप दूध में से इतना 1/4 कप जितना दूध रह गया है। कभी कभी आटे की क्वालिटी के हिसाब से दूध कम या ज्यादा लग सकता है, या फिर आपने दही कितना गाढ़ा डाला है उस हिसाब से दूध लगेगा, तो आप उस हिसाब से दूध डाल के आटा गूंदे। 1 टीस्पून तेल डाल के आटे को चिकना कर लेते हैं। आटे को अच्छे से चिकना कर दिया है और एकदम स्मूथ बना लिया है। ढक देंगे और 20 मिनट के लिए किसी गर्म जगह पे रख देंगे। आटे को मैंने 20 मिनट के लिए रेस्ट दिया है और आप देख सकते हैं आटे में अंदर जाली दिख रही है। अच्छे से इसे मसल लेंगे। 1 मीडियम साइज की लोई बना लेंगे। आटे को हम ढक के रखेंगे, नहीं तो ये सूख जाएगा। मैंने यहाँ पे काले तिल लिए हैं, आपके पास अगर कलौंजी है तो वो भी ले सकते हैं। थोड़ा सा तेल डालेंगे इस तरह से, आटे के साथ में इसे चिपका लेंगे। सूखे आटे में लोई को लपेटेंगे। रोटी बेल लेंगे, इसे हम राउंड शेप में ही बेलेंगे। मीडियम पतली रोटी बेलना है, बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं और बहुत ज्यादा पतली भी नहीं रखना है। इसे उल्टा कर देंगे और इसके ऊपर पानी लगाएंगे। पानी अच्छे से लगाना है ताकि तवे में ये अच्छे से चिपक जाए। आयन का तवा मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और ये गर्म हो गया है। इसे हमें आयन के तवे पे ही बनाना है, नॉनस्टिक पे ये चिपकेगा नहीं। पानी वाला भाग जो है इसे हम नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से। मीडियम फ्लेम पे इसे 30 सेकंड के लिए कुक कर लेते हैं। इस तरह से थोड़े बबल्स हो जाए उसके बाद हम इसे तवे को उल्टा कर देंगे। गैस की फ्लेम तेज कर लेंगे और इस तरह से रोटी को हम सेकेंगे। तवे को घुमाना है ताकि सब जगह से रोटी अच्छे से सिक जाए। अब देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आ रहा है। इस तरह से गोल्डन ब्राउन डॉट्स आ जाए तभी हमें तवा इस तरह से गैस पे रख देना है। पलटे से इसे निकाल लेंगे। नीचे से भी बहुत अच्छी है, सिक गई है, निकाल लेंगे। गरम रोटी के ऊपर तुरंत ही बटर लगा देंगे। इस तरह से बाकी की रोटी भी बना लेते हैं। दूसरी रोटी तवे पे डालेंगे तभी तवे को अच्छे से कपड़े से साफ कर लेना है। इस तरह से बाकी की रोटी को भी बना लेते हैं। तंदूरी रोटी एकदम सॉफ्ट बनी है, आप देख सकते हैं एकदम आसानी से टूट रही है। रेस्टोरेंट स्टाइल काजू बटर मसाला और आटे की तंदूरी रोटी रेडी है। ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है। काजू बटर मसाला बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।